स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमारा क्या चल रहा था? कौन सा चैप्टर चल रहा है? द पॉइंट ऑफ स्पेस। द पॉइंट इन स्पेस। से पहले की वीडियो में हमने डिस्टेंस के लिए फार्मूला बताया था, वही फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तब माना दो बिंदु, दो बिंदु पी एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन तथा क्यू एक्स टू कोमा वाई टू कोमा जेड टू के बीच की दूरी के बीच की दूरी बी के वजह से क्या होता है? अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। एक्स वन इजिकल्स टू क्या है हमारा? थ्री। एंड वाई वन इजिकल्स टू फोर, जेड वन इजिकल्स टू फाइव। ऐसे ही एक्स टू इजिकल्स टू हमें दे रखा है माइनस वन, वाई टू इजिकल्स टू थ्री एंड जेड टू इजिकल्स टू माइनस थ्री। अब इसमें हम जो वैल्यू दे रखी है वो हम डिस्टेंस वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें जो भी फार्मूले हैं वो याद होना चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। मैथ में क्या होता है, अब सारे जो हैं न्यूमेरिकल फार्मूले पर बेस्ड होते हैं, तो इसके लिए जो भी चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल फार्मूले बताए जा रहे हैं वो आप अच्छे से उनको लर्न कर लें, तभी आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या की, क्योंकि यहाँ पर एक्स टू माइनस एक्स वन की, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। अब क्या है, इसको हम सोल्व कर लेंगे, प्लस माइनस राइट जो भी तब हो जाएगा यहाँ पर माइनस फोर प्लस का सिक्सटी, ये प्लस वन प्लस सिक्सटी फोर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पी के में इक्वल्स टू अंडर रूट, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एट्टी वन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? नाइन का स्क्वायर होता है, तब क्या हो जाएगा? पी के में इक्वल्स टू नाइन। ये क्या हो गया हमारा आंसर? हमें यही पूछा था ना, ये क्या हो गया हमारी बिस्ट दूरी इजिकल्स टू नाइन, यही हमारा हो गया। अब क्या इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देख लेंगे। समझ में आ गया होगा हमें क्या है, दो बिंदु दे रखे थे थ्री फोर फाइव माइनस वन कोमा थ्री। अब क्या इसको हमने एक्स वन वाई वन जेड वन, इसको एक्स टू वाई टू जेड टू, हमें क्या दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। तो हमें डिस्टेंस का फार्मूला पता था, हमने उस डिस्टेंस के फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दी और उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब क्या है इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। बिंदु
हैं कि बिंदु 0, 7, 10, -1, 6, 6 -4, 9, 6 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। हमें क्या बताना है कि जो बिंदु हमें दे रखे हैं वो क्या एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो हमें त्रिभुज करना है। तो अब क्या है इसके लिए, हम मान लेंगे माना, सॉल्व कर देखते हैं, माना त्रिभुज हमें तीनों त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, त्रिभुज के शीर्ष की वैल्यू के शीर्ष ए कोमा बी कोमा तथा सी है, जिनके निर्देशांक क्रमशः 0, 7, 10 and -1, 6, 6 तथा -4, 9, 6 है। तो अब इसके लिए भी हम वही डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने इससे पहले के लिए करा था। तो क्या है, दूरी निकालनी है, दूरी के सूत्र से फार्मूले से उसको हम सॉल्व कर लेंगे। वहाँ पे पी क्यों होता है, यहाँ क्या ए बी है, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी अंडर रूट फार्मूला वही आ जाएगा, x2 - x1 जेड भी आएगा, जेड वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो ये क्या, हमने इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -1, -0² + 6 - 7² + 6 - 10² वाला फार्मूला हमने जेड x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 तो फार्मूला हमने लगा दिया, उसको हम सोल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर भी 18 आ गया, ए बी इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 18। अब क्या है, ऐसे ही हम बी सी की निकालेंगे, उसे भी रल करके बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट -1 + 4² + 6 - 9² +6 - 6² बी सी टू, जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 18 ही आ रहा है। अब क्या है, अब हम सी ए निकालेंगे, सी ए इक्वल्स टू भी यही बार में लगा के वैल्यू बार में लगा लेंगे 0 + 4² + 7 - 9² + 10 - 6² कितना हो जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो अंडर रूट का 36 इक्वल्स टू 6² हो गया, और ये अलग है, ए बी और बी सी क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी क्या है इक्वल है, सी ए हमारा अलग है। तो क्या है, ये दोनों समद्विबाहु
त्रिभुज, क्या ये दोनों समझाए, त्रिभुज त्रिभुज भुजाएं हैं, ये क्या है समझे भाव, त्रिभुज भुजाएं हैं। अब पुनः ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 36 इज इक्वल्स टू सी ए का स्क्वायर। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण, एक समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज है। मुझे तो पूछा गया था हमसे कि ये एक सम, तो इसमें क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 18 इक्वल टू क्या है सी ए की वैल्यू है सी ए स्क्वायर, तो क्या हो गया हमारा ए बी सी क्या है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, यही हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर हमें कुछ पूछा रखा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला ला कर उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसके आगे न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ओके थैंक यू। और ये कौन सा था हमारा पार्ट 2, नेक्स्ट वीडियो उसके न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ओके थैंक यू।